शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन 2017 बिहार टीटी पीड़ित अभ्यर्थियों की लड़ाई को लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, पर आज का ये वीडियो 2017 बिहार टीटी पीड़ित अभ्यर्थियों को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में बिहार परीक्षा समिति के काले चेहरे को उजागर किया गया है। बीएसईबी बोर्ड पटना, जी हाँ बीएसईबी बोर्ड पटना, जिसने जजमेंट आने के बाद भी अंक देने के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया 21-21-1 केस में। पर आज हम बात 21-21-1 केस की नहीं करेंगे, हम एक अलग केस की बात कर रहे हैं। केस जो निशा कुमारी के द्वारा किया गया था बीएसईबी बोर्ड पर, और जजमेंट उनके केस में भी आया, पर बिहार बोर्ड ने उनके साथ भी नाइंसाफी की। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि निशा कुमारी का केस 6148 जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस केस की चर्चा आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस केस में जज मोहित शाह जी ने ही ऐसा जजमेंट दिया है जिस पर बीएसईबी बोर्ड को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर बीएसईबी बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, मोहित कुमार शाह, इन्होंने ही 2017 बिहार टीटी पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में एक फैसला दिया है कि गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए। पर उससे पहले ये फैसला आया है 12/9/2018 को इनके केस की सुनवाई हुई। इनको 77 अंक आया हुआ था और इनको एक अंक से फेल बताया जा रहा था, इनको 78 अंक चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द पटिशनर, वन क्वेश्चन इज रॉन्ग, हेंस इफ दैट क्वेश्चन इज ओमिटेड द पटिशनर विल बी पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाए तो ये पटिशनर पास होगा, और इस पटिशनर ने, जिनका नाम निशा कुमारी है, इन्होंने एक क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया हाई कोर्ट में, और ऑर्डर आपके आँख के सामने स्क्रॉल कर रहा है। आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स फॉर टुडे विच शैल बी कंसीडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट, नंबर 4 ऑन मैरिट्स इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, एंड ही शैल पास अ रीजंड एंड स्पीकिंग ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स देयर फोर द ऑर्डर डेट 12/9/2018 स्टैंड्स मॉडिफाइड ऑन द एफर्सेड एक्सटेंट, मोहित कुमार शाह। ये माननीय न्यायाधीश हैं। अब इसका हिंदी रूपांतरण ये हुआ कि अभ्यर्थी 77 अंक लाकर फेल था और एक अंक से फेल था, 78 पर उसको पास किया जाना था। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ने एक प्रश्न को गलत साबित कर दिया हाई कोर्ट में, जिसके बाद जज मोहित शाह ने यह आदेश दिया कि 4 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थी को पास किया जाए। ऑर्डर डेट है 12/9/18, सितंबर महीना 2018 का ये ऑर्डर है। 4 सप्ताह के अंदर इस पर कार्य करना था, पर बीएसईबी बोर्ड ने वही रवैया अपनाया जो आपके जजमेंट के साथ अपनाया गया है। हारकर इस पटिशनर ने फिर से हाई कोर्ट में केस किया है और अब इनका फैसला आने वाला है। कल हमने एक ऑडियो डाला था आपके लिए, उस ऑडियो में दक्षता परीक्षा 2016 पीड़ित अभ्यर्थियों के जो प्रमुख है, जिन्होंने केस किया, जजमेंट लाया, और जजमेंट के बाद किन कठिनाइयों से गुजरकर उन्होंने ये अंक 22 अंक पाए हैं, इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया था कि माला कुमारी उनके केस में एक अलग से केस की हुई पटिशनर थी, जिनके द्वारा केस के बाद 60 दिन के भीतर कार्रवाई की बात कही गई थी, और जब कार्रवाई नहीं हुआ तो माला कुमारी और जो 22 अंक लेकर आए हैं वो पटिशनर, दोनों ने मिलकर कोर्ट की अवमानना का केस कर दिया। और अवमानना के केस के बाद फटकार लगी और गलत प्रश्नों के बदले 22 अंक दिए गए। आपका मामला भी कुछ ऐसा ही है, उसमें माला कुमारी थी, इसमें निशा कुमारी है।
अवमानना का केस होने जा रहा है 10 जून को, और 10 जून को ही हम लोग बीएसईबी बोर्ड का घेराव एक बार फिर करेंगे। ऐसे हालातों में आप सभी 2017 बिहार टीटी पीड़ित अब एक हो जाएं, चाहे वो कोई भी ग्रुप में हो, और इस वीडियो को हर ग्रुप में भेजें, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को सच्चाई का पता चले और इस लड़ाई का पता चले। हम अवमानना का केस करने जा रहे हैं और साथ में निशा कुमारी को भी अपने साथ रखेंगे। आप सभी किसी भी ग्रुप में हैं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को एक साथ एकजुट होना है। 10 जून को हम लोग अवमानना का केस करने जा रहे हैं, उसमें कुछ आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। आप पीड़ित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि खुलकर आर्थिक सहयोग करें। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी स्क्रॉल कर रहा है। आज ये बात बतानी और ये ऑर्डर दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 21-21 एक केस के जजमेंट में दम नहीं है, इस कारण अंक नहीं मिला। पर आज जो हमने आपको जजमेंट दिखाया उसमें एक महीने के अंदर कार्रवाई की बात थी, पर सितंबर 2018 से जून 2019 हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि बीएसईबी बोर्ड नहीं चाहती कि आपको अंक मिले। अब अवमानना के केस के बाद ये अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अवमानना के केस में पूर्ण सहयोग करें और 21-21 एक केस का जजमेंट आपके हक में है। जैसे ही अवमानना का केस होगा बीएसईबी बोर्ड को झुकना होगा और आपको अंक मिलेगा। इसलिए भ्रम और भ्रांति से बचें और अपनी लड़ाई को मजबूत करें। आप किसी भी ग्रुप में हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ आएं और गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे की इस लड़ाई को मजबूत करें। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन हर कदम आपके साथ पहले भी था और हमारे आंदोलन के बाद ही 8,000 नए रिजल्ट हुए हैं और अब 10,000 और अभ्यर्थी पास करेंगे। अब हम आपको 27 मई 2019 के आंदोलन के कुछ वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप भी देखें उस दिन अभ्यर्थियों में कितना जोश था और आगे आने वाले 10 जून के आंदोलन में 500 से 1,000 की संख्या में आए, जिससे कि ये लड़ाई मजबूत हो। हम लोग बिहार की 2017 पीड़ित अभ्यर्थी है। 2017 में बिहार टीटी की परीक्षा हुई, उसके बाद गलत प्रश्न पूछेगा 40 से भी अधिक। गलत प्रश्नों के लिए हम लोगों ने 2017 में भी महा आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के बाद बोर्ड ने विभाग एंसर की जारी की, जिससे 8,000 नए बच्चे पास किए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पास किए। कुल 10-12 हजार रिजल्ट नहीं हुआ। हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया, केस का जजमेंट आया। जजमेंट के बाद हम लोग जब बोर्ड को ये जजमेंट सौंप रहे हैं कि गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज एक महीना से ज्यादा होने को आया, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान नहीं हो रहा है। इसी कारण मजबूर होकर जब जवाब नहीं आया तो हम लोगों ने आंदोलन करने की बात शुरू की है और अब हम लोग अगर बोर्ड नहीं मानती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। आज आप लोग कहाँ पे? आज हम लोग बीएसईबी बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आनंद किशोर जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम नीरज कुमार, शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन से। बिहार टीटी 2017 पीड़ित आज फिर सत्याग्रह आंदोलन पर है। हमारे मुख्य मांग है गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके रिजल्ट प्रकाशित करना। आज 2017 से 2019 दो साल हो गया, लेकिन बिहार बोर्ड होश में नहीं आ रही है। हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को ये जजमेंट दिया, या तो गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, पर अभी तक बिहार बोर्ड के तरफ से इस पर कोई जवाब सकारात्मक नहीं आया है। आज हम लोग इस आंदोलन को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि बोर्ड इस पर कुछ जवाब दे, और जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिया जाए या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके रिजल्ट जारी करके इनको पास किया जाए, तब विलंब क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उर्दू टीईटी पीड़ित अभ्यर्थी जो अनट्रेंड है, उनको 5% की छूट बिहार सरकार दे देती है, जबकि 2017 बिहार टीईटी पीड़ित ट्रेंड है, इनको सड़क पर धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाता है।
इसके अलावा दक्षता परीक्षा 2016 में इसी जजमेंट पर 22 अंक दिए जाते हैं, पर 2017 पीड़ितों के साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। आखिर बिहार बोर्ड चाहती क्या है? बिहार बोर्ड ये नहीं चाहती है कि शिक्षित और ट्रेंड शिक्षक स्कूलों में हो। क्या इस बिहार की यही सबसे बड़ी बदहाली है कि यहाँ पर ऐसे टीचर, ट्रेंड टीचर स्कूल में ना हो और स्कूलों की पढ़ाई बाधित रहे? आज 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है। 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होने का मतलब है कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। अगर हम लोगों को इंसाफ मिलता है और हमारी बहाली होती है तो इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के बैनर तले आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। गलत प्रश्नों के बदले अंक या पूर्णांक प्रतिशत में कमी कर बिहार बोर्ड को रिजल्ट प्रकाशित जल्द से जल्द करना होगा। इसके लिए हमारा सत्याग्रह आंदोलन जारी है। गलत प्रश्नों के बदले अंक, गलत प्रश्नों के बदले अंक, हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान, हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान, आनंद किशोर को इंसाफ, आनंद किशोर को इंसाफ, बोर्ड अध्यक्ष को इंसाफ, बोर्ड अध्यक्ष को इंसाफ, गलत प्रश्नों के बदले अंक, गलत प्रश्नों के बदले अंक।